हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो रॉयल इनफील्ड ने कितनी यूनिट बेची हैं जनवरी मंथ में। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको इसमें से पूरी जानकारी मिलेगी। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सबसे पहले फिफ्थ नंबर से स्टार्ट करते हो, तो फिफ्थ नंबर पर आने वाली जो बाइक है वो है 650 ट्विंस, जिसमें 1238 यूनिट जो है जनवरी मंथ में बेची हैं रॉयल इनफील्ड ने। तो इसमें अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें 648 सीसी का डुअल सिलेंडर इंजन आता है और इसमें 20-24 किलोमीटर पर लीटर की आपको माइलेज मिल जाती है। 47 bhp जो इसमें पावर है और इसका जो वेट है वो 202 किलो का लगभग का है। और ये आपको 2,86,000 से स्टार्ट होकर 3,15,000 तक की मिल जाती है। उसके बाद में अगर हम चौथी गाड़ी के बारे में बात करें तो उसमें है हिमालयन। हिमालयन गाड़ी तो आप सभी ने देखी होगी, वैसे बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है एडवेंचर के लिए। अगर रॉयल इनफील्ड हिमालयन के बारे में बात करें तो इसमें 411 सीसी का इंजन आता है, इसमें 30 किलोमीटर पर लीटर की आपको माइलेज मिलती है। और अगर इसकी पावर की इंजन की पावर की बात करें तो इसमें 24.3 bhp का आपको पावर मिलता है और इसका वेट जो है 199 kg है और ये आपको 2,15,000 से लेकर 2,50,000 तक की आपको मिलेगी। और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हिमालयन का 650 वाला वर्जन भी जल्दी लॉन्च हो, क्योंकि अगर वो लॉन्च हुआ 650 सीसी इंजन में तो बहुत ही अच्छा रहेगा और उसमें पावर भी बहुत ही बेहतरीन हो। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं बुलेट 350 की। तो अगर हिमालयन की अगर यूनिट की बात करें तो हिमालयन की 3,248 यूनिट जो है जो बेची गई हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं बुलेट 350 की, तो बुलेट 350 की 7,354 यूनिट जो है बेची गई हैं पूरी। और अगर इसके इंजन की कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 350 सीसी का इंजन आता है, इसमें 37 किलोमीटर पर लीटर की जो माइलेज क्लेम की जाती है और इसमें 19.1 bhp जो है पावर मिलती है और 186 kg इस बाइक का वेट है। और ये जो इसका प्राइस है वो 1,46,000 से लेके 2,00,000 रुपए तक जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्जन आते हैं। इसमें डिस्क ब्रेक भी है, सिंगल डिस्क ब्रेक और डबल डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रिक स्टार्ट और किक स्टार्ट ऐसे करके इसमें बहुत सारे वर्जन आते हैं। तो इसके बाद में जो दूसरे नंबर पे है बाइक, तो दूसरे नंबर पे है मीटियोर 350। जो मीटियोर 350 है इसकी 8,460 यूनिट जो है वो बेची गई है। इसमें जो है सेम वही इंजन आता है जो बुलेट में आता है, इसमें है 349 सीसी का इंजन है और 35 किलोमीटर पर लीटर की इसमें माइलेज मिल जाती है। इसमें इस इंजन में थोड़ा आपको पिकअप जो है, मतलब जो इंजन का जो पावर है वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा इसमें 20.2 bhp का और इसका थोड़ा वेट थोड़ा कम है 191 kg का। तो ये जो मीटियोर 350 है ये आपको लगभग लगभग 2,02,000 से शुरू होकर 2,25,000 तक की मिलेगी। और ये जितने भी प्राइस मैं बता रहा हूँ आपको वो सभी एक्स शोरूम प्राइस हैं और हो सकता है आपके यहाँ पर RTO चार्जेस अलग हों तो हो सकता है आपको जो प्राइस है वो थोड़ा ऊपर नीचे पड़े। तो पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली रॉयल इनफील्ड की तरफ से बाइक है वो है क्लासिक 350। तो क्लासिक 350 की जनवरी मंथ में इन्होंने सिर्फ 26,775 यूनिट, 26,775 यूनिट बेची हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 की। ये सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक है रॉयल इनफील्ड के पास में। अगर इसके सीसी की बात करें तो ये भी सेम वही 349 सीसी के इंजन के साथ में आती है, 35 का जो है इसमें माइलेज मिलता है 35 किलोमीटर पर लीटर का और इसमें जो इंजन का पावर है वो 20.2 bhp जो है इसमें पावर प्रोड्यूस होती है और ये भी 195 kg के लमसम में आती है। और इसका जो प्राइस है वो 1,90,000 से स्टार्ट हो गए 2,25,000 तक जाता है। तो ये जो थी टॉप 5 बाइक थी, जो वैसे तो और भी बाइक आने वाली हैं क्लास रॉयल इनफील्ड की तरफ से, जैसे ही अगर वो आती हैं बाइक मैं उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और इस वीडियो में जो सुधार हो सकता है, जो कमियां हैं मेरे तरफ से, वो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनिए और अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर डालिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।